हेलो एवरीवन मैं तो हूं, मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन तो गाइस आज लेकर आई हूँ मैं चॉकलेट गनाश केक की रेसिपी तो इसके पहले मैंने जो अपना केक का वीडियो बनाया था और उसकी फोटो शेयर किए थे तो उसी से मुझे ये दूसरा केक का ऑर्डर मिला है और ये भी चॉकलेट केक का ही ऑर्डर है तो एक्चुअली होता क्या ना कि बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो मिले हैं वो चॉकलेट केक के ही मिले हैं तो ये भी एक चॉकलेट केक का आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चॉकलेट का ही प्रीमिक्स ले रही हूँ तो एक कप मैंने प्रीमिक्स लिया है और ये मेरा हाफ के जी का केक है तो उसके लिए मैंने एक कप प्रीमिक्स लिया है अब इसमें पानी डाल के इसका हम स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे अगर थोड़ा एक साथ डाल दिया तो बैटर हमारा पतला हो सकता है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसका डालेंगे इसका एक स्मूथ सा बैटर थोड़ा सा आप देख सकते हैं आप वीडियो में देखिएगा किस कंसिस्टेंसी का मैंने बनाया है तो अब मैंने एक चम्मच हमने यहाँ पे प्रीमिक्स लिया था एक चम्मच नहीं सॉरी एक कप के करीब प्रीमिक्स लिया था तो मैंने इसमें एक चम्मच के करीब ही ऑयल डाला है ऑयल में कोई अलग से फ्लेवर नहीं होना चाहिए नॉर्मल जो हमारा ऑयल होता है विदाउट एनी फ्लेवर वो वाला ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है देखिए एक कप से एक कप मैं पानी लिया था और एक आधे कप से भी कम मुझे पानी इसमें लगा है तो हमारा बैटर बन के तैयार हो गया अब मैंने लिया है एक छज का केक टिन और उसको बटर पेपर से ग्रीस कर लिया बटर पेपर लगा लिया सॉरी और अब अपने बैटर को इसमें डाल देंगे और मैंने अपने जो भगोने या जिस कढ़ाई में भी आप केक बना रहे हैं उसे पहले से ही रीट करने के लिए रख दीजिएगा इसे थोड़ा सा डैप कर लेंगे और अब मैंने अपने भग मैं तो भगोने में बनाती हूँ तो अब मैंने उसमें रख दिया और अब मेरा ये ढक्कन काफ़ी गर्म हो गया तो मैंने इसको चिमटे से पकड़ा है तो अब मैं इसे रख देती हूँ बेक करने के लिए तो 25 से 30 मिनट में हमारा केक बनके के तैयार हो जाएगा ये देखिए हमारा केक बनके तैयार हो गया और मैंने इसके तीन स्लाइस कट करके निकाल लिए हैं इसमें से तो अब इनकी आ जाती है डेकोरेशन की बारी तो मैंने इसके पहले भी एक चॉकलेट केक बनाया था ना तो मेरा थोड़ा सा गनाश बच गया था वही बना गनाज मैंने इसमें यूज़ किया है और उसके अलावा भी मेरे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बनाना पड़ा गनाश क्योंकि कम पड़ गया था तो यहाँ पे मैं इसको सोक कर रही हूँ मैंने पानी में ना थोड़ा सा चॉकलेट भी मिक्स कर लिया था तो उसी से मैं इसको सोक कर रही हूँ अब यहाँ पे कर लेंगे इसकी लेयरिंग और जो मेरा ये पहले का गनाश बना हुआ रखा था इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था एक दिन पहले ही मैंने केक बनाया था तो ये वाला गनाश मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ अब इस पैचूला की मदद से इसकी इवन कर लेंगे एक जैसा कर लेंगे अपने लेयर को और फिर इसके ऊपर हम अपनी सेकेंड लेयर को रखेंगे तो ये वाला केक का रिव्यू भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला लोगों को बहुत मतलब जिनको मैंने दिया था उनको काफ़ी पसंद आया और इस वजह से मुझे अभी तक जितने भी ऑर्डर्स आए ना चॉकलेट केक के ही आए हैं तो इसके बाद भी एक और वीडियो आने वाली है वो थीम केक है कार थीम केक है उसकी भी वीडियो में बहुत जल्द आने वाली है आ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अभी उसकी एडिटिंग नहीं हुई है तो वो भी चॉकलेट वाला ही केक है तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ और अलग करने को मिला तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गाई ज़रूर बताइएगा तो इसको मैं चारों तरफ से ऊपर से कवर कर लेंगे तो हमने क्रीम में भी है ना चॉकलेट का गनाश जो है वो मिक्स किया था तो अब इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे और ऊपर और नीचे दाएं बाएं सब तरफ से इसको एक जैसा कर लेंगे तो अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो केक को फिनिश करने में मतलब एक जैसी नहीं हो पाती है फिनिशिंग तो मैं क्या करती हूँ कि एक ग्लास में ले लेती हूँ गर्म पानी और गर्म पानी में अपने इस को डिप करती हूँ और एक्स्ट्रा पानी को उसमें से झड़ा देती हूँ और फिर इसकी आ, कवर मतलब इसको स्मूद आउट कर लेते हैं तो उससे ना बहुत आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम आती है ना कि आपका एक जैसा नहीं हो पाता है थोड़ी थोड़ी सी लाइनें दिखती है होती है सभी को प्रॉब्लम होती है ना स्टार्टिंग में तो आप ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिए तो अब मैंने जो अपना रोजेट वाला जो नोजल होता है वो नोज़ल लिया है और उससे मैंने ऐसे पास पास में रोजेट बनाती जा रही हूँ इस तरीके से सारे रोजेट बना लेंगे चारों तरफ इसके तो ये डिज़ाइन तो सबको इतना पसंद मतलब कस्टमर को और सभी लोगों के साथ में मैंने जब शेयर किया था उनको बहुत पसंद आया सब लोग कहते हैं बिल्कुल एंटिक डिज़ाइन लग रहा है ऐसा मुझे सुनने को मिला <laughs> तो मैं बाप को भी बता रही हूँ तो ये वाला क्रीम मैं ले रही हूँ इसमें मैंने थोड़ी सी और चॉकलेट मिक्स करी है ताकि मुझे थोड़ा सा डार्क कलर मिले तो वो ये भी ओपन वाला जो नोजल होता है स्टार नोजल होता है वो मैंने लिया है और इससे मैं इस तरीके से फ्लावर्स टाइप के जो मोदू टाइप के होती हैं वो बनाती जा रही हूँ सेंटर में और साइड में भी मैंने वही बना दिया था अब मैंने एक पाइपिंग बैग में आ, क्रीम को लिया है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया था मैंने नहीं अगर पिक्स बने होते तो इस तरीके से मोती जैसा इसकी बॉर्डर नहीं बन पाती तो यहाँ पे अब मैं सिंपल मोती वाली बॉर्डर बना रही हूँ इसके चारों तरफ इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देके एक जैसा प्रेशर देके इसके हम मोती जैसे बना लेंगे और यहाँ पे फिर थोड़ा सा मेरा गनाश बच गया था तो उससे मैं इसकी बॉर्डर बना रही हूँ वैसे भी थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा था तो आजकल वैसे भी ड्रिपिंग का बहुत फैशन है ड्रिप वाले केक सबको बहुत पसंद आते हैं तो इसी तरीके से मैंने चारों तरफ से इसकी एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी एक छोटी इस तरीके से ड्रिप्स बना ली हैं इस तरीके की ड्रिप्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है सारी लंबी लंबी ना होकर एक छोटी एक बड़ी होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे हमारा जो है डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गया है तो अब मैं ये मार्केट से जो चॉकलेट के बॉल्स होते हैं वो लेकर आई थी तो वो मैंने केक के सेंटर में ए फ्लावर रोजेक के सेंटर में रख है और कुछ ये मैंने चॉकलेट के वो बनाए थे क्या बोलते हैं इसको फिर बोल गई तो डिज़ाइन चॉकलेट की गार्निशिंग यस याद आ गया वो मैंने बनाई थी तो वो मैंने रख दी है इसमें चारों तरफ में और जो सिल्वर बॉल्स होती हैं उनको भी रोजेट के जो फ्लावर्स टाइप के मोदो टाइप के बनाए थे उसमें बीच में तो यहां पे मुझे एक सा खाली स्पेस रहा था। तो मैंने और लगा दी तो इसकी है ना अब इसके ऊपर तो इसमें चमक आ जाएगी और ये केक हमारा बहुत खूबसूरत सा लगने लगेगा जब ये स्प्रिंकल कैमरे में उड़ते है ना तो मुझे इतने सुंदर लगते है ऐसा लगता है जैसे चांद सितारे आसमान में आ गए हूँ तो इसको पूरा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी मैं और हमारा केक इससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा एकदम चमक चांदनी वाला हो जाएगा <laughs> और सबको भी ये बहुत पसंद आता है तो आपको अगर अभी तक ये मेरी वीडियो कैसी लगी है केक की के वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अगर ये केक पसंद आया ये डिज़ाइन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए आप इंजॉय कीजिए मेरी केक की के वीडियो को मैं बनाती हूँ अगला केक और लाती हूँ आपके साथ में अगली वीडियो तो वो भी चॉकलेट केक की होने वाली है लेकिन डिज़ाइन उसका बिल्कुल डिफरेंट है तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए इसे इंजॉय कीजिए बाय बाय